सैमुअल बेंजामिन बैंकमैन फ्राइड जन्म 6 मार्च 1992 या SBF एक अमेरिकी सजायाफ्ता धोखेबाज और पूर्व क्रिप्टोकरेंसी उद्यमी है। बैंकमैन फ्राइड क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज FTX और संबंधित ट्रेडिंग फर्म अलमेडा रिसर्च के संस्थापक और CEO थे। दोनों ने एक हाई प्रोफाइल पतन का अनुभव किया जिसके परिणाम स्वरूप 2022 के अंत में अध्याय 11 दिवालिया हो गया। FTX के पतन से पहले फोर्ब्स 400 में बैंकमैन फ्राइड को 41वां सबसे अमीर अमेरिकी और द वर्ल्ड्स बिलियनर्स द्वारा दुनिया का 60वां सबसे अमीर व्यक्ति का दर्जा दिया गया था। उनकी कुल संपत्ति $26 बिलियन तक पहुंच गई। 11 नवंबर 2022 तक FTX के दिवालियापन के बीच ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स ने माना कि उसकी कुल संपत्ति शून्य हो गई है। अपनी संपत्ति खत्म होने से पहले बैंकमैन फ्राइड अमेरिकी राजनीतिक अभियानों के लिए एक प्रमुख दानकर्ता थे। उन्होंने डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को खुले तौर पर दान दिया था, साथ ही उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने लगभग $1 अरब खर्च करने की योजना बनाई है। 2024 अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव। 12 दिसंबर 2022 को बैंकमैन फ्राइड को बहामास में गिरफ्तार किया गया था और बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यर्पित किया गया था। न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय के समक्ष उनके खिलाफ अभियोग 13 दिसंबर को खोला गया, जिसमें वायद धोखाधड़ी, कमोडिटी धोखाधड़ी, प्रतिभूति धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और अभियान वित्त कानून के उल्लंघन सहित अपराधों के लिए 8 आपराधिक आरोपों का खुलासा किया गया। फरवरी 2023 में अतिरिक्त 4 आरोपों की घोषणा की गई। 22 दिसंबर को बैंकमैन फ्राइड को $250 मिलियन के बॉन्ड पर रिहा कर दिया गया, इस शर्त पर कि वह कैलिफोर्निया में अपने माता पिता के घर पर रहे। 11 अगस्त 2023 को गवाहों से छेड़छाड़ के कथित प्रयासों को लेकर उनकी जमानत रद्द कर दी गई और उन्हें हिरासत में वापस भेज दिया गया। उनका पहला परीक्षण 3 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ, दूसरा परीक्षण मार्च 2024 के लिए निर्धारित है। 2 नवंबर 2023 को बैंकमैन फ्राइड को धोखाधड़ी और साजिश के 7 मामलों में दोषी ठहराया गया था। 2013 की गर्मियों में बैंकमैन फ्राइड ने अंतर्राष्ट्रीय ETF का कारोबार करने वाली एक मालिकाना ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट कैपिटल में एक प्रशिक्षु के रूप में काम किया। MIT से स्नातक होने के बाद वह पूर्णकालिक रूप से वहां काम पर लौट आए। सितंबर 2017 में बैंकमैन फ्राइड ने जेन स्ट्रीट छोड़ दिया और बर्कले कैलिफोर्निया चले गए, जहां उन्होंने अक्टूबर से नवंबर 2017 तक सेंटर फॉर इफेक्टिव अल्ट्रुइज्म CEA में विकास निदेशक के रूप में कुछ समय के लिए काम किया। नवंबर 2017 में अरबपति कंप्यूटर प्रोग्रामर जान टालिन और निवेशक ल्यूक डिंग के फंड निवेश के बाद बैंकमैन फ्राइड और CEA के तारा मैकऑले ने मात्रात्मक ट्रेडिंग फर्म अलमेडा रिसर्च की सह स्थापना की। 2021 तक बैंकमैन फ्राइड के पास अलमेडा रिसर्च का लगभग 90% स्वामित्व था। जनवरी 2018 में संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में जापान में बिटकॉइन की ऊंची कीमत का लाभ उठाने के लिए बैंकमैन फ्राइड ने एक मध्यस्थता व्यापार का आयोजन किया, जो प्रतिदिन $25 मिलियन तक बढ़ गया। मकाओ में 2018 के अंत में क्रिप्टोकरेंसी सम्मेलन में भाग लेने के बाद वह हांगकांग चले गए। बैंकमैन फ्राइड ने अप्रैल 2019 में FTX क्रिप्टोकरेंसी डेरिवेटिव एक्सचेंज की स्थापना की। यह अगले महीने व्यवसाय के लिए खुल गया। 8 दिसंबर 2021 को बैंकमैन फ्राइड ने अन्य उद्योग अधिकारियों के साथ क्रिप्टोकरेंसी उद्योग को विनियमित करने के बारे में वित्तीय सेवाओं पर समिति के समक्ष गवाही दी। 12 मई 2022 को यह खुलासा किया गया कि इमर्जेंट फिडेलिटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जिसका बहुमत बैंकमैन फ्राइड के स्वामित्व में है, ने रॉबिनहुड मार्केट स्टॉक का 7.6% खरीदा था। नवंबर 2022 में पूर्वी कैरेबियाई सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक हलफनामे में और अपनी गिरफ्तारी से पहले बैंकमैन फ्राइड ने कहा कि उन्होंने और FTX के सह संस्थापक गैरी वांग ने मिलकर अलमेडा रिसर्च से $546 मिलियन से अधिक उधार लिया था। इमर्जेंट फिडेलिटी टेक्नोलॉजीज द्वारा रॉबिनहुड मार्केट स्टॉक की खरीद को वित्त पोषित करना। सितंबर 2022 में यह बताया गया कि बैंकमैन फ्राइड के सलाहकारों ने एलोन मस्क की ट्विटर की खरीद में मदद करने के लिए उनकी ओर से पेशकश की थी। ट्विटर के अधिग्रहण के दौरान ट्विटर और मस्क के बीच मुकदमे के हिस्से के रूप में जारी संदेशों के अनुसार 25 अप्रैल 2022 को निवेश बैंकर माइकल ग्रिम्स ने लिखा था कि बैंकमैन फ्राइड $5 बिलियन तक प्रतिबद्ध होने के लिए तैयार होंगे। जब मस्क ने अधिग्रहण को अंतिम रूप दिया तो वास्तव में कोई निवेश नहीं हुआ। बैंकमैन फ्राइड ने एंथ्रोपिक में $500 मिलियन और उद्यम पूंजी फर्मों में $500 मिलियन से अधिक का निवेश किया, जिसमें सिकोया कैपिटल में $200 मिलियन भी शामिल है, जो खुद FTX में एक निवेशक है। सिकोया ने बैंकमैन फ्राइड की एक चमकदार प्रोफाइल प्रकाशित की, जिसे बाद में FTX में सॉल्वेंसी संकट के बाद हटा दिया गया।
जुलाई 2023 में आरोप सामने आए कि बैंकमैन फ्राइड ने सर्वनाश की स्थिति में बंकर के रूप में उपयोग करने के लिए नाउरू के द्वीप देश को खरीदने पर विचार किया था, जिसे गुमराह और कभी कभी डायस्टोपियन परियोजना के रूप में वर्णित किया गया है। दान और बाजार विनियमन पर विचार। बैंकमैन फ्राइड ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वह प्रभावी परोपकारिता का समर्थन करता है, यह तर्क देते हुए कि वह परोपकारी कार्य के रूप में देने के लिए कमाई कर रहा था। उन्होंने दान देने का दावा किया व्यक्तिगत हित के आधार पर नहीं, बल्कि उन परियोजनाओं पर जो डेटा द्वारा साबित की गई है कि लोगों की मदद करने में सबसे प्रभावी है, जैसे कि परमाणु युद्ध, महामारी, कृत्रिम जैसे अस्तित्वगत जोखिमों को कम करना, खुफिया जानकारी और अमेरिकी लोकतंत्र के लिए खतरा। वह गिविंग व्हाट वी कैन के सदस्य थे और अपने जेन स्ट्रीट वेतन का लगभग आधा हिस्सा दान में देते थे। जून 2022 में उन्होंने द गिविंग प्लेज पर हस्ताक्षर किए। उनकी गिरफ्तारी के बाद दिसंबर 2022 में उनका नाम सूची से हटा दिया गया था। बैंकमैन फ्राइड फ्यूचर फंड के संस्थापक हैं, जिनकी टीम में स्कॉटिश दार्शनिक और लेखक विलियम मैकेस्किल शामिल थे, जो प्रभावी परोपकारिता आंदोलन के संस्थापकों में से एक थे। FTX के पतन के बाद फ्यूचर फंड के सभी सदस्यों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। 1 सितंबर 2022 तक फ्यूचर फंड ने कहा कि उसने 110 गैर लाभकारी संस्थाओं के लिए लगभग $160 मिलियन की प्रतिबद्धता जताई है। FTX के बहामास में स्थानांतरित होने का कथित कारण अनुकूल नियामक माहौल था और बैंकमैन फ्राइड ने देश के $9 अरब के राष्ट्रीय ऋण का भुगतान करने पर खुलकर चर्चा की। नवंबर 2022 में बैंकमैन फ्राइड ने वॉक्स लेखक केल्सी पाइपर के साथ एक ट्विटर बातचीत में कहा कि उन्होंने और उनकी कंपनी ने विनियमन का स्वागत करने और क्रिप्टोकरेंसी बाजारों पर कड़ी नजर रखने के लिए नियामकों की आवश्यकता को बढ़ावा देने का जो दिखावा दिखाया था वह ईमानदार नहीं था और यह सिर्फ PR था। उन्होंने कहा कि नियामक हर चीज को बदतर बना देते हैं और ग्राहकों की बिल्कुल भी रक्षा नहीं करते। जब उनसे उनके नैतिकता संबंधी सामान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सहमति व्यक्त की कि यह ज्यादातर एक मुखौटा था और उन्होंने नैतिकता को एक गूंगा खेल के रूप में वर्णित किया, जिसे हमने पश्चिमी लोगों को खेलने के लिए जगाया, जहां हम कहते हैं कि सभी सही शिबोलेत है और इसलिए हर कोई हमें पसंद करता है। उन्होंने बाद में दावा किया कि वे प्रभावी परोपकारिता, बिस्तर जाल और महामारी की रोकथाम के विपरीत ESG, CSR और ग्रीन वॉशिंग का जिक्र कर रहे थे।